फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्यूब सॉल्व करने सिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में क्यूब सॉल्व करना सीखते हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आप क्यूब सॉल्व करना आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले इसको मिक्सअप कर देते हैं वीडियो पॉज करके। तो मिक्सअप कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे मिक्सअप करने में टाइम जाएगा। ये लगभग लगभग अनसॉल्व हो गया है पूरा, देख लीजिए यहाँ पर ये पूरा अनसॉल्व हो चुका है। मतलब अनसॉल्व मतलब ये हम पूरा मिक्स कर दिए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहला ट्रिक याद रखना है, हमेशा सेंटर को रेफरेंस पॉइंट लेंगे। सेंटर को रेफरेंस पॉइंट इस तरह लेना है, इसको थ्री लेयर्स में बांट देना है। ये फर्स्ट लेयर हो गया मेरा, अगर ऐसे पकड़े हुए हैं तो ये मेरा फर्स्ट लेयर, ये नीचे वाला मेरा सेकेंड लेयर, ये वाला बीच वाला, ये वाला ये मेरा थर्ड लेयर। अगर आप ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर। आप जैसे क्यूब को पकड़िए उसके अनुसार आप फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर बांट सकते हैं। ये बांटने का अपना अपना तरीका, ऐसे पकड़िएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो पकड़ने का तरीका होता है ये। जैसे भी आप पकड़िए, ये फर्स्ट लेयर आपको सॉल्व करना है। तो आपको अपना जो भी कलर चूज करना है कर लीजिए सेंटर पॉइंट, उसको सबसे पहले पहला लेयर मानना है। तो जैसे मान लेते हैं हम हरा, ये पूरा अनसॉल्व है। तो देखिए यहाँ पे हरा है तो हरा को पहला लेयर मान लेते हैं। ये हरा मेरा पहला लेयर हो गया। इस पहला लेयर में आपको करना क्या है, यहाँ पे प्लस साइन बनाना है। प्लस साइन इस तरह बनाना है कि ये वाला कलर हरा है तो ये वाला कलर हरा होना चाहिए, और ये वाला कलर हरा और ये वाला कलर रेड होना चाहिए। जैसे ये वाला कलर क्या है, हरा है और ये सफ़ेद है, तो ये कहाँ पर लगेगा। प्लस साइन बनाना है आपको, सबसे पहले क्या बनाना है, प्लस साइन बनाना है। प्लस साइन बनाना है, देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर ये वाला हरा ऊपर रहना चाहिए और ये सफ़ेद वाला नीचे होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे सिंपली ऐसे करेंगे, ये वाला यहाँ पर पहुँच गया और इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद इसको ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद देखिए ये हरा हो गया और ये सफ़ेद हो गया, और देखिए सफ़ेद वाला यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर ऐसे ला देंगे। देखिए कितना आसान ट्रिक था, इस तरह आप आजमा सकते हैं अपने में करके। अब जैसे इसको लाना है, इसको कहाँ पर लाना है, यहाँ पर। तो इसको सिंपली यहाँ से ऐसे रोटेट कर देंगे, यहाँ पर तो आया नहीं तो ऐसे रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला आना चाहिए इधर और ये वाला आना चाहिए यहाँ पर, तो जस्ट अपोजिट हो गया। प्लस साइन बनाना है, ये साइन बन गया तो ये साइन तो बनाना पड़ेगा ना। इसके लिए सिंपली करना क्या है, इसको ऐसे रोटेट करना है। देख लीजिए इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इधर चले गया और इसको सिंपली इधर रोटेट कर देना है। इधर रोटेट करने से होगा क्या, अब ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ पर जब आएगा तो इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, ये वाला इससे मैच हो गया। लेकिन ये वाला तो इससे मैच हुआ नहीं ना, तो इसको इधर रोटेट किए थे ना, तब इसको जस्ट अपोजिट में रोटेट कर दीजिए। तो ये वाला देखिए यहाँ पर पहुँच गया और ये वाला यहाँ पर। उसी तरह आपको यहाँ पर एक और हरा लाना है, तो कहाँ पर है हरा, तो ये यहाँ पर ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये है, तो ये वाला कलर यहाँ पर है तो यहाँ पर इसको सिंपली क्या कर देना है, ये वाला कलर और ये पिंक कलर तो यहाँ पर होना चाहिए ये, तो इसको यहाँ पर ऐसे कर देना है। तो देखिए ये वाला कलर इससे मैच हो गया, ये वाला कलर इससे, ये वाला इससे। अब ये वाला कलर मिल है तो ये वाला कलर कहाँ पर मिलेगा, इज पर ही मिलेगा, कॉर्नर पे तो मिलेगा नहीं क्योंकि दो ही साइड है ना, तो दो साइड वाला यहाँ पर है। इसको सिंपली यहाँ पर रोटेट करके इसके नीचे ला दीजिए, नीचे लाने के बाद सिंपली इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हरा होना चाहिए और यहाँ पर ये तो जस्ट अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट वाले को क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया, और इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए। तो देखिए ये दोनों आपस में मैच हो गया, और ये वाला भी आपस में मैच हो गया, ये वाला भी आपस में मैच, यानी आपका प्लस साइन मिल गया विथ ये कलर मैच हो गया सेंटर से। सेंटर से मैच कराना बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको अब कॉर्नर को मैच कराना है। कॉर्नर को मैच कराने के लिए क्या करना है, सिंपली तो ये कॉर्नर क्या है मेरा, ये कॉर्नर में कौन सा कलर आएगा, ग्रीन, वाइट और पिंक। तो ग्रीन, वाइट, पिंक कहाँ पर है, वहाँ पे ग्रीन, वाइट, पिंक, ग्रीन, वाइट, पिंक आपका यहाँ पर है। तो ग्रीन, वाइट, पिंक को आपको चूज करना है सबसे पहले, तो ग्रीन, वाइट, पिंक को चूज करते हैं, यहाँ पर है। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला कलर कहाँ पर सूटेबल बैठेगा, ग्रीन, येलो, पिंक, तो ग्रीन, येलो, पिंक
इस कॉर्नर पे, इसको सिंपली यहाँ पर लाना है। तो इसको ऐसे ला दीजिए, इसको ऐसे ला दीजिएगा तो देखिए ये कलर, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस कॉर्नर में ये मैच करेगा। इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे ला दीजिए, और अगर यहाँ पे आ गया, इसके नीचे आ गया, यहाँ पे ऐसे मैच कराइएगा तो देखिए ये वाला कलर इससे मैच हो गया, ये वाला कलर इससे मैच हो गया, ये वाला कलर इससे मैच हो गया, लेकिन आपका प्लस साइन बिगड़ जा रहा है। तो ये बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे इसको इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है, उसके बाद ऐसे कर दीजिए, उसके बाद फिर इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए। तो देखिए ये वाला कलर इससे मैच हो गया, ये वाला कलर इससे, ये वाला कलर इससे मैच हो गया। उसी तरह आपको अगर ये वाला यहाँ पे दिख रहा है हरा, हरा जहाँ भी दिख रहा है कॉर्नर में उसको पकड़ के लाना है। ये रेड और येलो, रेड येलो कहाँ पर है, यहाँ पर इसके नीचे ला दिए। तो देखिए ये इसके नीचे आ गया जस्ट, लेकिन यहाँ पे जस्ट ऐसे करेंगे तो देखिए ये वाला कलर ऊपर आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे पकड़ना है और ऐसे रोटेट कीजिए, ऐसे कैसे भी रोटेट करना है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे पुराना है, नहीं पुर रहा है, अभी भी नहीं पुर रहा है, तो सिंपली ऐसे कर दीजिए। अब देखिए करके, हाँ अब देखिए यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इस तरह रोटेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये इस कलर से मैच हो जा रहा है, ये इस कलर से मैच हो जा रहा है, और ये इस कलर से। तो आपको सिंपली करना क्या है, इसको इधर ले जाना है और इसको इधर ला के इसको यहाँ पे, तो देखिए ये वाला मैच हो गया। तो यहाँ पर जब लाइएगा तो ये इससे मैच हो जाएगा, ये इससे, और ये इससे मैच हो जाएगा। उसी तरह आपको ये वाला मैच कराना है तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये रेड से, तो ये वाला कहाँ पे जाना चाहिए, रेड पिंक और ग्रीन, रेड पिंक ग्रीन, सॉरी वाइट पिंक, तो ये वाला यहाँ पर। तो देखिए ये वाला यहाँ पर चले जाएगा इसे, तो देखिए सिंपली इससे मैच हो जाएगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे मैच हो जाएगा। लेकिन प्लस वाला रहना है तो इसके लिए करना क्या है, इसको बैक साइड इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ऐसे था, इसको इधर ले जाना है और इसको इधर करके इसको यहाँ पे, उसके बाद ऐसे कर दीजिएगा तो ये वाला मैच हो गया आपका, इससे मैच हो गया, ये वाला इससे मैच हो गया, ठीक है। उसी तरह आप देखिए ये सारा मैच हो गया आपका, ये भी सारा मैच हो गया। अब ये वाला बचा है तो ग्रीन, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है ग्रीन, तो ग्रीन अब इसी से होगा, वाइट है, रेड है। तो आपको सिंपली अगर आप ऐसे कर दे रहे हैं तो ये वाला क्या हो जा रहा है, इससे मैच हो जा रहा है, ये वाला इससे मैच हो जा रहा है। तो इसको आपको करना क्या है, इसको इधर इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है और इसको इधर, उसके बाद आप ऐसे कीजिएगा तो आप यहाँ पर देखिए ये वाला इससे मैच हो गया, ये वाला इससे मैच हो गया, ये वाला इससे मैच हो गया। यानी आपका फर्स्ट लेयर पूरा सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट वाला लेयर सॉल्व हो जाए तो उसको नीचे रख देना है। तो नीचे रखने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली ये वाला कलर ढूंढना है जो ब्लू से मैच ये वाला हो रहा है, जैसे ये वाला कलर है रेड और वाइट, तो ये रेड के कलर पर ले जाइए, ये रेड है तो रेड पर कलर यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको ले आए। तो उसके बाद आपको ये वाइट दिख रहा है और ये रेड, यानी ये वाला जो यहाँ पर, ये वाला सिंपली यहाँ पर उठ कर आ जाएगा तो हो जाएगा मेरा, यानी ये वाला यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लाने के लिए देखिए जैसा कर रहे हैं वैसा कीजिएगा तो आ जाएगा। इसके लिए सिंपली क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़े हैं, इसको ऐसे कीजिए, इधर चले गया, फिर इसको इधर करना है, फिर इसको इधर करना है, फिर इसको इधर लाइए, फिर इसको इधर रिवर्स दीवर, और फिर क्या करना है, इसको इधर से घुमा देना है, फिर इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए। तो सिंपली आपका जो यहाँ पर था वे देखिए यहाँ पर आ गया है ना, उसी तरह देखिए ये वाला कलर किससे मैच हो रहा है, इससे। अब देखिए इस वाले को किधर लाना है, राइट साइड लाना है। तो राइट साइड लाने के लिए क्या करना है, सिंपली उसी तरह इसको इधर घुमाना है। राइट साइड लाने के लिए राइट वाले को घुमाते हैं, इसको इधर घुमाइए, इसको इधर घुमाइए, फिर 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 इसको इधर, फिर इधर। तो देखिए जो राइट में था इधर वाइट और रेड, इधर आ गया कि नहीं आ गया। तो उसी तरह आपको अब ध्यान देना है इस पर। तो देखिए
ये वाला कलर इससे मैच हो रहा है, और ये वाला सिर्फ इधर आ जाएगा तो हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको इधर लाने के लिए इस वाले को घुमाना है इस हाथ से, इसको इधर घुमाना है, इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, इधर घुमाने के बाद इसको इधर कर देना है, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर। इतना करने के बाद देखिए आपका ये वाला जो क्यूब यहाँ था, सॉरी ये वाला जो यहाँ पर था, ये वाला ये यहाँ पर आ गया है। अब आपको सिंपली इसको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लाना है, ये रेड रेड मैच हो रहा है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा। इसके लिए फिर वही वाला, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर रोटेट कर दीजिए, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। अब देखिए आपका सेकेंड लेयर पूरा सॉल्व हो चुका है। सेकेंड लेयर पूरा सॉल्व होने के बाद आपको थर्ड लेयर पर ध्यान देना है। तो थर्ड लेयर पर इस तरह ध्यान देना है क्या, यहाँ पे प्लस साइन बने, तो यहाँ पर प्लस साइन बनना चाहिए। तो प्लस साइन बनने के लिए आपको क्या करना है, तो जो बड़ा जो ज़्यादा दिख रहा है ना, तो उसको एक साथ रोटेट करना है। तो देखिए ऐसे पकड़ लीजिए इसको, ये सबसे ज़्यादा इधर दिख रहा है तो सबसे ज़्यादा वाला ऐसे पकड़ लीजिए, फिर इसको इधर रोटेट कर दीजिए, फिर इसको इधर रोटेट कर दीजिए, फिर इसको इधर रोटेट कर दीजिए, फिर इसको इधर, तो नीचे वाला आपका बिगड़ेगा नहीं, और यहाँ प्लस साइन बन गया आपका। देखिए यहाँ पे नीचे वाला कुछ नहीं बिगड़ा, यहाँ प्लस साइन बन गया। प्लस साइन के बाद आपको मैच कराना है कलर। तो देखिए यहाँ पे ये कलर मैच हो रहा है, अगर ये वाला देखिए तो ये कलर इससे मैच हो रहा है, ये कलर इससे मैच हो रहा है, दो कलर मैच हो गया, ये वाला इससे मैच हो गया और ये वाला इससे मैच हो गया, और प्लस साइन भी बन रहा है। लेकिन ये दोनों आपस में मैच नहीं हुआ, ये इससे मैच नहीं हुआ, ये वाला इससे मैच नहीं हुआ, ये वाला इससे मैच नहीं हुआ। इसको मैच कराने के लिए क्या करते हैं, इस वाले को इधर रखना है और इस वाले को इधर, और इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़े इस हाथ से सामने ऐसे पकड़ना है। अब इसमें सिंपली क्या करना है, अप फिर इधर पुश, डाउन फिर एक बार पुश, फिर अप डबल पुश, फिर डाउन पुश। ये वाला करने से आपका क्या हो गया, ये वाला इससे मैच 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 हो गया। अब ये मैच होने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, तो उसके बाद आपको करना है ये सारे इज पर ध्यान देना है। अब ये इज अगर कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा ये क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या ये जो इज है ये यहाँ पर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सफ़ेद साइड है, वाइट साइड, रेड साइड, ब्लू साइड, ये ब्लू इसे मैच कर रहा है, रेड इसे मैच कर रहा है, लेकिन वाइट इसे मैच नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसा ये वाला भी साइड इसका मेंबर है नहीं है, देखिए ये वाइट ये वाला मेंबर है, ये वाला भी मेंबर नहीं है, ये वाला मेंबर है, ये ब्लू साइड इधर है, यानी ये इज यहाँ रहना चाहिए, बस कलर का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो कलर का कॉन्फ़िगरेशन ये इधर होना चाहिए, ये वाला इधर, ये वाला इधर। तो ये तीनों आपस में अपने पोजिशन पर नहीं है, सिर्फ यही है। तो सभी को अपने पोजिशन पर लाने के लिए कौन सा रूल अपनाते हैं, इधर लेफ्ट फिर ऊपर, फिर इसको इधर, फिर ऊपर, फिर इसको इधर, फिर डाउन, फिर एक बार इसको इधर, फिर डाउन। ये करने के बाद अब देखिए अब फिर मैच कीजिए, सब अपने पोजीशन पर आया, ये अपने पोजीशन पर आ गया, ब्लू येलो पिंक, ये वाला नहीं आया, ये वाला भी, ये वाला भी नहीं आया है, और ये वाला भी नहीं आया है। फिर उसी वाले को पकड़िए और फिर उसी तरह कीजिए, लेफ्ट अप इधर लेफ्ट, फिर अप फिर इधर लेफ्ट, फिर डाउन फिर इधर लेफ्ट, फिर डाउन। अब देखिए आता है, ये वाला आ गया अपने पोजीशन पर, ये वाला भी अपने पोजीशन पर आ गया, देखिए तीनों कलर मैच हो रहा है, ये वाला भी अपने पोजीशन पर आ गया, ये वाला भी अपने पोजीशन पर आ गया है। देखिए अब ये अपने पोजीशन पर आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से एक ही ट्रिक आप अपनाइएगा, उसके बाद सारा सॉल्व हो जाएगा। ये अपने पोजीशन पर है तो ध्यान से देखिए इसको क्या करना है, डाउन, ये वाला सिर्फ ऊपर होना चाहिए ना, तो देखिए इसको हमेशा ये वाला, तो इसको ऐसे पकड़िए और इसको ऊपर रखिए, डाउन इधर फिर ऊपर फिर इसको इधर, फिर डाउन फिर इसको इधर फिर इसको ऊपर फिर इधर, तो यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पर देखिए ये ऊपर आ गया, ये वाला कलर मैच हो गया, इसको इधर रोटेट करके इधर ले जाइए, फिर वही वाला प्रोसेस इसमें भी अपनाइए, डाउन
फिर ये ऊपर, फिर ये इधर, फिर डाउन, ये इधर, ये ऊपर, फिर डाउन, ये इधर, ये इधर, ये ऊपर, फिर डाउन, ये इधर, ये इधर, ये ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ये वाला सॉल्व हो गया मेरा। फिर इसको इधर ले जाइए, अपने पोजीशन पर आ गया, उसके बाद आसान है। फिर इसको इधर, 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 बस वही वाला एल्गोरिथम नीचे वाला जो हम कर रहे हैं उस तरह अपनाते चलिए। सीक्वेंस आपका अपने सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब नहीं करना है क्योंकि ये अब सॉल्व हो चुका है ना, अब इसको इधर लाना है। फिर उसमें भी वही वाला प्रोसेस अपनाइए। देखिए अब यहाँ पर ये पूरा सॉल्व हो चुका, अब बस इसको रोटेट कर दीजिए। रोटेट करने के बाद आपका ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। देखिए सॉल्व हो चुका। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कैसे सॉल्व किया जाता है। ये वीडियो बिना एडिट किया हुआ बनाया है और इसको एक टेक में शॉर्ट किए हैं, तो इसको फॉरगेट प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल।